10 महीने, 8 घंटे, 6 किताबें, 100 सेक्शनल मॉक और 100 से 150 फुल मॉक, इतना ही चाहिए 2024 में एक जॉब सिक्योर करने के लिए। अगर आप ईमानदारी से इसे फॉलो करते हो ना, तो आई कैन गारंटी कि आप बहुत क्लोज जाओगे और जॉब लेकर आओगे। तो ये कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या क्या करना है और कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताता, मैं तैयारी भी करवाता हूँ। आपको पता होगा मैथ्स का पूरा हमारे चैनल पे मिल रहा है, रीजनिंग भी हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए नेक्स्ट मंथ से हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अगर बिल्कुल नए हो तो आप चैनल पे जरूर जुड़ जाना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, उससे भी कनेक्ट हो जाना। आपको सारा आइडिया वहां से मिल जाएगा कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और बहुत लोग बोल रहे थे कि 2024 के लिए वीकली टारगेट फ्रेश से स्टार्ट करने के लिए, देखो एक हमारा ऑलरेडी चल रहा है, 10 वीक हो चुका है। जो बच्चे नए चाह रहे हैं वो अभी वेट करें, मे बी मैं नेक्स्ट मंथ जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक वीकली टारगेट भी स्टार्ट कर दूंगा, बट वीकली करूंगा, डेली नहीं। ओके, तो जब अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखो 10 महीने मैंने क्यों बोला था, अप्रॉक्स एक्चुअली 10 से 11 महीने हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बट 10 मंथ्स मान के चलो। और 10 मंथ्स ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सफिशिएंट है। इवन अगर आप अच्छे से वेल वर्स्ड हो तो आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो 10 महीने में। एसएससी क्रैक करने के लिए 10 महीने ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन आज से ही आपको लगना पड़ेगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि कितने दिन पढ़ने होते हैं हमें, तो वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन आपको पढ़ना होगा, वीक में एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो। और ऑन एन एवरेज आपको हर रोज 8 घंटे पढ़ने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, किताबी बातें हैं, 12 घंटे 14 घंटे बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक लेवल पे आके आप हो सकता है कि आप कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा कर सके उसे, सबके बस की नहीं होती है 12-14 घंटे पढ़ना। 8 घंटे लेकिन फिजिबल है, आप इजीली 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट में पढ़ सकते हो, या 3-3 घंटे करके 2 या 3 शिफ्ट निकाल सकते हो। उसके अलावा हम बात करेंगे कि 6 बुक्स कौन कौन सी है। मेनली 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले मैथ्स कहां से पढ़ना है, किरण पब्लिकेशन की एक किताब ले लो, और मेरा गणित का प्राइम टाइम प्लेलिस्ट है, इससे कंप्लीट मैथ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और बुक कहां से लेना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, यहां पे मैं फोटो भी लगा दूंगा जो खरीदनी है। देन उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। अगेन रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पे। और बुक्स कौन सी लेनी है, किरण पब्लिकेशन की ही लेनी है, प्रीवियस ईयर की। अब देखो आप बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप किरण क्यों रिकमेंड कर रहे हो, बहुत सारे नई बुक्स आ गई है मार्केट में जिसमें टीसीएस के क्वेश्चंस है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट एक चीज ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए ना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको बेसिक के बेसिक क्वेश्चंस पता होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, लेवल 1-2-3 करके ऐसे पढ़ना होगा, तब जाके आप पढ़ पाओगे। सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए हमें, पहले सीख लेना चाहिए कि टॉपिक क्या है, कांसेप्ट क्या है। तो रेदर देन ऐसी बुक परचेज करना जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या जिसमें सिर्फ 2018 के बाद के क्वेश्चंस हो, उनको फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि देखो नया पैटर्न आने वाला है, आपको पता ही है वेंडर चेंज हो रहा है एसएससी का, तो नो डाउट कि क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो नए आएंगे, तो नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, चैप्टर तो वही रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये बुक खरीदो, इसमें बहुत पुराने 1999 से लेकर अभी तक के क्वेश्चंस हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका फायदा होगा। देन मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके में बुक्स के नाम पे 2 बुकें चलती है, या तो ल्यूसेंट ले लो या फिर किरण पब्लिकेशन की ही आती है वन लाइनर जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, वो आप परचेज कर सकते हो। ये मेनली एनसीईआरटी और एसएससी को देख करके बनाया गया है, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो अगर किसी को ल्यूसेंट पढ़ने में दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ल्यूसेंट है तो बहुत ज्यादा नीड नहीं है आपको इस बुक की, बट अगर आपके पास ल्यूसेंट भी नहीं है, किरण भी नहीं है, कोई सी और बुक नहीं है और फिर भी आप सोच रहे हो, आप डाउट में हो कि कौन सी खरीदनी है, तो आप किरण की ले सकते हो। और फिर आपको एक प्रीवियस ईयर भी बुक खरीदनी होती है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खरीद सकते ले सकते हो, वो भी किरण की आती है। तो अब तक मैंने आपको 4 बुक बता दी है, मैथ्स की 1, रीजनिंग की 1, जीके की 2। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी 2 बुकें लेनी होगी आपको। ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1, ये नीतू सिंह की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, अब शायद उसका नाम वॉल्यूम 1 हो गया है। अगेन मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा जो आपको परचेज करनी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। और अगेन प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण पब्लिकेशन की खरीद लेना। वोकैबुलरी हो गया, इडियम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, इन सब के लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए या कॉम्प्रिहेंशन के लिए, पैसेज के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हो। तो ये मेनली बुक्स है हमारी जो फॉलो करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट,
सब हम वीकली टारगेट में बताते हैं, आप उसे देखकर फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉक की। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था आपको 100 सेक्शनल मॉक देने हैं, मैथ्स के, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सबका 100-100। कैसे दोगे? 25-25 आपको ईमॉक पे मिल जाएगा। ईमॉक ऐप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 25-25 मॉक है, डेमो में जाके आप सारे मॉक्स दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ना नहीं है अभी, पे नहीं करना है आपको, ऑप्शनल है। आप पे करना चाहो तो 11 रुपए का है, लेकिन आप नहीं भी करोगे तो भी आप देख पाओगे। तो आप अभी 10-10 डले हुए हैं, 25 डल जाएंगे अगले एक महीने के अंदर। तो यहां से आप सेक्शनल मॉक कर सकते हो। इसके अलावा ना आपको टेस्ट बुक का पास ले लेना, और मैं बोलूंगा आप लोगों को 2 से 3 साल का जो आता है वो वाला पास ले लेना एक बार में। हर थोड़े दिन पे सेल आता रहता है। आप अगर आज देख रहे हो, आज 14 तारीख है, आज जिस दिन ये वीडियो डल रहा है उस दिन भी शायद सेल चल रहा है, तो आप MBA कोड लगा के 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शनल मॉक भी आपको ये मिल जाएगा। फिर जब मैंने फुल लेंथ मॉक के बारे में बात की थी, तो फुल लेंथ भी आपको 100-150 देने हैं। तो कहां से दोगे? तो अगेन ये भी आपको टेस्ट बुक से मिल जाएगा, ये भी आप टेस्ट बुक से दे सकते हो, और अगेन ई मॉक पे भी दे सकते हो। तो ई मॉक का जो टेस्ट है वो मैं खुद सेट करवाता हूं, उसका लेवल धीरे धीरे अप होगा, वो मैं खुद सेट करता हूं, और उसका मैथ्स का सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, तो वो भी आप ले सकते हो। 99 रुपीज का मिलता है वो, 2024 कोड लगाना है। उसमें आपको 40 SSC के मॉक्स मिलेंगे, बट ध्यान रखना वो वीकली अपलोड होते हैं। अभी जब आप जाओगे तो आपको शायद 9 या 10 ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 40 के 40 दिख जाएंगे, वो वीकली अपलोड होता रहता है। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, उन्हें पता ही नहीं कैसे करना है, एसएससी क्या होता है, उसके लिए ना मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें ना मैंने 6 मंथ की या 7 मंथ की ना एक स्ट्रेटेजी बता रखी है, बहुत एक्यूरेट बताया हुआ है। किताबें भी मैंने यही बताई है, कोई नई किताबें नहीं बताई अलग से, मैं हर वीडियो में यही किताबें बताता हूं। इनको फॉलो करो और अच्छे से जैसे जैसे मैंने उसमें कहा है, और उसमें मैंने आपको ना रिसोर्सेज भी बता दिए हैं कि यूट्यूब पे कहां से आप फ्री में पढ़ सकते हो। और बहुत लोगों को जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स के लिए पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाना अभी, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, अभी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो सकता है कि हम कोई कोर्स लाएं, तो आप मैथ्स के लिए इनरोल कर सकते हो। यूट्यूब पे तो कंफर्म है कि फ्री बैच एक आ रहा है, ओके, फ्री बैच आ रहा है, वो बिल्कुल पेड बैच के साथ ही चलेगा, और दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे, तो वो कर लेना, और उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल होगी। और रीजनिंग की हमारी कोई पेड बैच नहीं आ रही है अभी, मैंने पूछा जरूर था आप लोगों से, बट रीजनिंग ज्यादा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो नहीं पाएगा। और रीजनिंग के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं हर चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन 75-75 क्वेश्चन करवा दूं ना, उसी से आप सीख जाओगे, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा यूट्यूब पे। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और आगे की वीडियोस में और डाल दूंगा, उसे हम फिनिश जरूर करेंगे। और जो लोग फ्रेश वीकली टारगेट का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे, उन सब के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत। ओके, तो चलते हैं फिर, इस सेशन में इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है आप लोगों के लिए, आपने कुछ सीखा है इससे, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और वीडियो को लाइक करते हो तो एल्गोरिथम में काम आता है हम लोगों को, और YouTube हमारे वीडियोस को प्रमोट करती है। चैनल पे बिल्कुल बिल्कुल नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।